भारतीय जनता पार्टी की बैठक सोमवार को बैनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर आयोजित हुई। बैठक में पार्टी के संगठन महामंत्री शिव कुमार पाठक, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, ब्रजेश त्रिपाठी, अभिषेक राय सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बैठक में प्रमुख रूप से केंद्र सरकार द्वारा जनहित में संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और घर घर जाकर लोगों को वोटर लिस्ट से जोड़ने पर चर्चा की गई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना आम जनता तक पहुंचे इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता को दायित्व सौंपा गया है, जिसकी समीक्षा इस बैठक में की जा रही है। ये भी पता कर लीजिए कि आपके जिले में डीएलए पर्ची भी जमा करवाना, क्योंकि डीएलओ के साथ में डीएलए पर्च को काम करने का अधिकार चुनाव आयोग ने वैधानिकता के आधार पर दिया। तो डीएलओ ये भी सूची अपने जिले से जमा हुई कि नहीं जमा हुई है तो जमा कर ली, क्यों इस नाते कि ये 30 तारीख तक ये अभियान नहीं, इसके बाद 30 तारीख के बाद ये अभियान एक बार फिर चली और फिर इसके बाद ये अभियान चलेगा आगे दिसंबर में। दिसंबर में जो अभियान चलेगा वो चलेगा वो 31 जनवरी, और 31 जनवरी 2019 को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। जो अंतरिम मतदाता सूची 2019 की लोकसभा के लिए होगी उसमें फिर आगे जाकर के संशोधन होंगे, संशोधित मतदाता सूची आपको मिलेगी। 2019 तक हमारी जिम्मेदारी है और अंतिम रूप से मतदाता सूची 31 के पहले फाइनल हो जाती है तो एक अलग विषय है, और जनवरी में फाइनल कर देते हैं जो चुनाव आयोग रहेगा कार्यक्रम लोकसभा का उसके हिसाब से। लेकिन हमारे मतदाता सूची लोकसभा की जो अंतिम रूप से जो फाइनल होना है तब तक हमें ये मतदाता सूची के लिए सारे रूप में काम देखना है। अब इसमें भूमिका दो आदमी की विशेष रूप से बीएलओ और बीएलए ये जरा हो जाए। तीसरी बाकी मतदाता सूची हर एक राजनीतिक दल को फरवरी में दी, आप लोगों के भी अपने जिले में मतदाता सूची आप लोगों को मिली होगी। यदि किसको किसको पता है कि मतदाता सूची हमारे जिले में रखी है, जो मुझे पता आपको पता आपने देखा पता पच्चीस फरवरी तक मतदाता सूची लेकर के जिसने अपने जिले में मार्च में अप्रैल में मई जिन लोगों ने बांट दी है अच्छी बात वो धन्यवाद के बाद तो प्रमुख मतदाता सूची उसको मिलने वाली नहीं। क्यों ये पहली बार क्या है कि जो नहीं तो मंडल अध्यक्ष को बता दिया गया है ना कि जो वोट पड़ने वाला है उसी जिसको आप प्रमुख बनाएंगे उसी को देना कर सकता है। निर्णय की जो सूची होगी बजट चली गई माने उसमें अगर कहीं ऐसा हो कि स्क्रीन हो जिलाध्यक्ष के माध्यम से सरकार के चुनाव के पूर्व जो मतदान हुआ आपने डीएलए डीएलए सूची दी है उसमें जहाँ कोई परिवर्तन करना है उसमें परिवर्तन करके जिला अध्यक्ष के द्वारा उन दूसरों का संशोधित नाम मोबाइल नंबर लिखवा करके आप जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ जमा करना। गोरखपुर क्षेत्र में हम लोगों ने जो 11 जिले में जो केंद्र की और प्रदेश की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। जैसे उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, निःशुल्क बिजली कनेक्शन की योजना है, पेंशन की योजना है, आयुष्मान भारत की योजना है, तो इन सब योजनाओं के प्रमुखों की बैठक हमने बुलाई है।
और इसका एक जैसे मतदाता संशोधन का काम है तो मतदाता संशोधन के प्रमुख बनाने हैं, क्षेत्र में हमने बनाए हैं, जिला में बनाए हैं, जिला से विधान सभा में बनाए हैं, विधानसभा से हम बूथ तक बनाए हैं, और इसलिए इन लोगों की एक कार्यशाला हम आज दिन भर कर रहे हैं अलग अलग योजनाओं की, ताकि जो हमारे केंद्र और प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएँ जिनका लाभ नीचे तक जाना चाहिए, इन तीन लोगों के माध्यम से नीचे तक आम जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके निमित्त आज ये बैठक बुलाई गई है। निश्चित रूप से हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हम पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं, और हमारे सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का नीचे तक लाभ लोगों को मिल सके, इसके लिए हम सब अपने कार्यकर्ताओं को कसकर के नीचे तक जिम्मेदारी दे रहे हैं, ताकि उन योजनाओं का लाभ, सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल सके।